टाटा सफारी को टाटा ने दिसंबर 2019 में डिसकंटिन्यू कर दिया था क्योंकि इस गाड़ी की इतनी कम सेल्स थी कि महिंद्रा स्कॉर्पियो की एक महीने की सेल्स इस गाड़ी के 12 महीने की सेल्स के बराबर थी। आज की वीडियो में हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, इसके डाउनफॉल के बारे में, उसके कमबैक के बारे में। और अभी इसका अपडेट आया और इसके टॉप मॉडल का प्राइस ऑलमोस्ट 30.5 लाख रुपए का पहुंच गया है, तो भी जो गाड़ी है वो काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। तो उससे पहले जाके सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस में काफी मेहनत लगती है हमारी और आपका एक सब्सक्राइब का बटन हमें काफी हेल्प कर सकता है। तो टाटा की शुरुआत होती है 1991 में जब वो अपनी सियरा को लॉन्च करते हैं 5 लाख रुपए इंडिया के प्राइस में, और ऑब्वियसली थोड़ा महंगा ही हो जाता है। पर इस गाड़ी की जो लुक्स होती हैं और जिसकी ऑफ रोडिंग होती हैं वो काफ़ी बढ़िया होती हैं, पर इसकी फ्यूल एफिशिएंसी और इसकी रिफाइनमेंट उतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए ये गाड़ी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, इसकी सेल्स डिसेंट सी होती है मतलब। और 1998 तक टाटा अपनी सियरा बेचते थे, अपनी स्टेट बेचते थे और अपनी सुमो के बेचते थे। और 1998 के ऑटो एक्सपो में वो अपनी दो गाड़ियाँ अनवील करते हैं, एक जो कि पर्टिकुलर एक सेगमेंट को टारगेट करती हैं दोनों ही, एक होती है उनकी इंडिका और एक होती है उनकी सफारी। जो सफारी का प्राइस था वो था 8.25 लाख रुपीज एक्सरूम इंडिया, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा महंगा ही हो जाता है क्योंकि अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो उस टाइम के 8.25 लाख रुपीज आज के लगभग 50 लाख रुपए के आसपास होते हैं। तो उस टाइम पे जितनी सफारी थी उस टाइम पे आज आप फॉर्च्यूनर ले सकते हैं बेसिकली। जब ये लॉन्च हुई थी इसमें आपको 2.0 लीटर का डीजल इंजन मिलता था जिसमें आपको 87 हॉर्स पावर मिलती थी, ऑब्वियसली जो कि थोड़ी कमी थी क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा था, अराउंड 2000 किलो से ऊपर की थी है, और जो इसके हॉर्स पावर और टॉर्क वाले फिगर्स हैं वो इस वेट को जस्टिफाई नहीं कर पाते। पर चलो कोई बात नहीं, गाड़ी बढ़िया परफॉर्म करती है, इसकी सेल्स एकदम डिसेंट हो रही होती है। और टाटा ने वैसे भी इस गाड़ी को एक लाइफस्टाइल व्हीकल के तौर पे जो है मार्केट करा था, जिसमें कि 5 दिन अगर आपको अपना नॉर्मल काम करना है वो कर सकते हैं और जो 2 दिन है उस गाड़ी ये कोई दूसरा काम भी कर सकती है जैसे ऑफ रोडिंग वगैरह अगर आपको करनी है। फिर 1999 में इस गाड़ी का एक्सपोर्ट भी चालू हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल यूरोप में, जिसमें कि इस गाड़ी में थोड़ा बहुत सेफ्टी फीचर्स ऐड होते हैं जैसे ESP या EBD, तो इस क्योंकि वहाँ के ऑब्वियसली सेफ्टी स्टैंडर्ड्स थोड़े हाई हैं इंडिया के कंपैरिजन में। और इस तब टाटा ने बोला था कि इस गाड़ी का एक पेट्रोल वाला वर्जन आएगा अगले कुछ महीनों में, पर ऑब्वियसली उसको आने में लगभग 3-4 साल लग गए थे मेरे ख्याल से, पर फिर सब बढ़िया चल रहा होता है। और पर जून 2002 में बंप होता है, वो भी महिंद्रा की तरफ से, जो कि होती है उनकी स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो भी एक 7-सीटर SUV होती है, उसमें भी आपको बढ़िया लुक्स मिलती हैं, पर जो उसका इंजन होता है वो ज़्यादा बेटर होता है, उसकी लुक्स भी एक्चुअल में ज़्यादा बेटर होती हैं एज़ कम्पेयर टू सफारी। पर एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा बेटर थी वो थी उसकी प्राइसिंग, जिसमें कि उसका प्राइस था 5.5 लाख रुपीज़ एक शोरूम इंडिया का उसके बेस मॉडल के लिए, जो कि ऑलमोस्ट 30-40% कम है एज़ कम्पेयर टू सफारी। और अगर आपको स्कॉर्पियो की डिटेल हिस्ट्री जाननी है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। पर अब भी टाटा अपनी सफारी में कोई भी अपडेट नहीं लाते मेजर, पर 2003 में वो उसका एक स्पेशल एडिशन आता है जिसमें कि सिर्फ इसकी 600 यूनिट बनेगी, जिसमें कि इसमें आपको सोनी का PS2 मिलता था। हम भाई मरते हैं, हमारी गाड़ी में 10-12 इंच की स्क्रीनें आती हैं, उस टाइम पे इसमें आपको PS2 मिलता था लिटरली, इसमें आपको फ्रिज मिलता था, इसमें आपको रियर में LCD स्क्रीन मिलती थी, इसमें आपको 10 कैसेट का 5 स्पीकर का ऑडियो सिस्टम मिलता था, इसमें आपको 130 डिग्री का कैमरा मिलता था। भाई हम टाटा को बोल बोल के थक चुके हैं कि सफारी बहुत बड़ी गाड़ी है, उसमें 360 कैमरा चाहिए, पर उनको 130 डिग्री से 360 डिग्री आने में लिटरली 20 साल लग गए, 20 साल, पर चलो कोई बात नहीं। इस गाड़ी का प्राइस होता है 11.35 लाख रुपीज एक शोरूम इंडिया के बेस मॉडल के लिए, और ये इसकी 6 महीने में अराउंड इसकी प्रोडक्शन बंद हो जाती है। फिर उसी साल 2003 में टाटा लॉन्च करते हैं अपनी सफारी पेट्रोल, जिसमें आपको 2.1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें आपको पावर तो 135 हॉर्स पावर के आसपास मिलती है, पर इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बेकार होती है। इसका प्राइस होता है 9.35 लाख रुपीज़ एक शोरूम इंडिया, और फिर यहाँ पे पंगा हो जाता है टाटा के साथ ऑफकोर्स, क्योंकि स्कॉर्पियो पेट्रोल आ जाती है उसी साल, जिसका प्राइस होता है 7 लाख रुपये एक शोरूम इंडिया का। तो 2.5 लाख रुपये का फ़र्क था दोनों गाड़ियों के पेट्रोल वाले वर्जन में, तो ऑब्वियसली लोग स्कॉर्पियो की तरफ जाते हैं दोबारा। फिर 2005 में टाटा इसकी पहली फेसलिफ्ट लॉन्च करते हैं, जिसमें आपको इसकी ग्रिल में, इसकी लाइटों में, इसके अलॉयज में चेंज मिलते हैं, और अब इसमें आपको टाटा का डाइकोर इंजन मिलता है, जो कि 3 लीटर का इंजन था, जिसमें आपको 116 हॉर्स पावर और 300 Nm ऑफ टॉर्क मिलता था, जो कि उनके 460 तक में आता था उस टाइम पे। सो वही वाला सेम चेप दिया टाटा ने यहाँ पे। और इस गाड़ी का प्राइस होता है सबसे इंपॉर्टेंट 6.4 लाख रुपीज़ एक शोरूम इंडिया। यस, तो ये मेरे ख्याल से पहली गाड़ी है जिसका प्राइस कम हो गया है लॉन्च होने के बाद। तो 5 साल पहले इस गाड़ी का प्राइस था 8.25 लाख रुपीज, अब हो गया 6.4 लाख रुपीज। वाओ, वेरी नाइस। तो अब ये गाड़ी राइवल करने लगती है डायरेक्टली महिंद्रा स्कॉर्पियो से, क्योंकि इसका प्राइस भी सेम था,
इसकी पावर भी सेम थी और इसमें आपको फीचर्स भी अब पहले से बेटर मिलते थे। फिर 2007 में टाटा इसका एक और नया वर्जन लाते हैं जिसका नाम होता है टाटा सफारी डाइकॉर, जिसमें कि डाइकॉर का बैज ऐड हो जाता है गाड़ी में। इसमें आपको एक्सटीरियर में चेंजेस मिलते हैं, इंटीरियर में चेंजेस मिलते हैं, इसमें आपको दो एयरबैग मिलते हैं बेटर, आपको फीचर्स मिलते हैं। और पर मेन जो अट्रैक्शन था वो था 2.2 लीटर का नया डीजल इंजन जिसमें आपको 140 हॉर्स पावर मिलती है, जो कि पहले से काफ़ी रिफाइंड है, पहले से काफ़ी बेटर है। पर इस टाइम तक जो है टाटा सफारी की इमेज काफ़ी डिग्रेड हो रही थी क्योंकि इस गाड़ी की रिलायबिलिटी काफ़ी बेकार थी, जो कि मैंने अपनी इस वाली वीडियो में डिस्कस करा था। और इस वजह से जो है इस गाड़ी की सेल्स काफ़ी कम होने लगती है यूरोप में और इंडिया में भी। और फिर ऑब्वियसली क्या होना था, पर चलो कोई बात नहीं, टाटा अपनी गलतियों से सीखते हैं। और 2012 में इस गाड़ी का एक फुल्ली अपग्रेडेड वर्जन आते हैं जिसका नाम होता है टाटा सफारी स्टॉर्म, जिसमें आपको 400 एनएम का डीजल इंजन मिलता है, जिसमें आपको नए इंटीरियर मिलते हैं, नए एक्सटीरियर मिलता है। पर फिर एक और पंगा हो जाता है 2012 में, एक्सयूवी 500 लॉन्च हो जाती है जिसमें कि आपको बड़ी अच्छी सी लुक्स मिलती हैं, इसमें आपको मोर सिटी लाइक लुक्स मिलती हैं और ये ज़्यादा लोगों को अपील करती है। तो अब लोग स्कॉर्पियो तो खरीद ही रहते हैं, अब लोग एक्सयूवी 500 भी खरीदते हैं और सफारी को सब लोग हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। और 2015 में टाटा इसका एक और अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च करते हैं जिसमें कि अब इसमें आपको थोड़ी और बेटर थ्रिल मिलती है, इसमें आपको बेटर लाइटिंग मिलती है। पर इस गाड़ी का ऑब्वियसली प्राइस भी बढ़ जाता है जो कि होता है 13 लाख से लेकर 15 लाख एक शोरूम इंडिया। और उस टाइम की स्कॉर्पियो का प्राइस था 8.5 लाख रुपये से लेकर 11 लाख रुपये एक शोरूम इंडिया था, तो वो दोनों में काफ़ी अभी भी फ़र्क था। और इस टाइम तक टाटा सफारी डाइकॉर भी सेल्स पे थी, उसका प्राइस ऑब्वियसली कम था, मतलब सब स्कॉर्पियो के आसपास का था, बट ऑब्वियसली वो काफ़ी आउटडेटेड थी इसलिए वो उसको किसी ने खरीदा नहीं और 2017 में उसका डिसकंटिन्यू हो जाता है। पर फिर 2018 में एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ आती है जिसमें कि टाटा को एक ऑर्डर मिलता है मिलिट्री की तरफ से, जिसमें कि वो अपनी सफारी को बेचने वाले हैं उनको, जिसका कोड नेम होता है GS800, जिसमें कि आपको 265 हॉर्स पावर मिलती है और इसमें आपको 800 एनएम का टॉर्क मिलता है, 60% ज़्यादा इसमें आपको पेलोड कैपेसिटी मिलती है, इसमें आपको बुलेट प्रूफ एलिमेंट्स मिलते हैं और इसमें आपको मैट ग्रीन कलर मिलता है जिनको ज़्यादा ही कूल लगता है मुझे तो। और अगर मेरे को चॉइस मिले फॉर्चुनर या फिर ये वाला स्पेक लेने की, तो भाई मैं ये वाला लूँगा क्योंकि भाई मेरे को ये जाना बढ़िया लगा। और फिर उसी साल एक और अच्छी न्यूज़ आती है कि जो सफारी की सेल्स है वो 42% से इंक्रीज़ कर रही है, जिसमें कि इसने 6138 यूनिट्स बेची थी 2018 में। पर अगर हम उसको फिर से कंपेयर करें महिंद्रा स्कॉर्पियो से, तो उसने 49,000 से ज़्यादा यूनिट्स बेची थी उसी साल। पर फिर 2018 के एंड तक गवर्नमेंट ने ये बता दिया था कि मार्च 2020 के बाद जो भी गाड़ियां बिकेंगी उसको BS6 कंप्लायंट होना पड़ेगा। And BS6 will now be applicable from the 1st of April 2020. और ऑब्वियसली टाटा के लिए सेंसेबल नहीं था क्योंकि इस गाड़ी की इतनी सेल्स थी नहीं कि इसको BS6 कंप्लायंट कराया जाए, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं और इस गाड़ी की सेल्स फिगर्स उसको जस्टिफाई नहीं कर रही थी। तो फिर ऑब्वियसली इस गाड़ी का डिसकंटिन्यू हो जाता है दिसंबर 2019 में। पर उसी साल 2019 में टाटा अपनी हैरियर को अनवील करते हैं और उससे पहले मार्च 2019 में वो अपनी हैरियर का एक 7 सीटर वाला वर्जन भी शोकेस करते हैं, जो कि सबको लगता है कि सफारी होने वाली है और एक्चुअली में वो होती भी है। और 2019 के एंड तक इस गाड़ी की टेस्टिंग वगैरह चालू हो जाती है, उसका फाइनल नाम होता है ग्रेविटास। और फिर इसके रेंडर आते हैं, इसके स्पाय शॉट्स आते हैं, मतलब आपको पता ही है क्या होता है बेसिकली वो सब होता है। पर फिर 6 जनवरी 2020 में टाटा बोलते हैं कि भाई ग्रेविटास बजर सब भूल जाओ, अब इस गाड़ी का नाम होने वाला है टाटा सफारी, जिससे कि थोड़े बहुत लोग ऑब्वियसली वो अपना दिमाग खो देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली सफारी मतलब एक 4x4 SUV है और ये कहाँ तुम फ्रंट व्हील ड्राइव की पॉप लूसी गाड़ी बेच रहे हो एज सफारी। पर फिर 27 जनवरी को इस गाड़ी का लॉन्च होता है इंडिया में 14.7 लाख रुपीज़ एक्चुअल इंडिया के प्राइस में, और इंडिया के लोग इसको पसंद भी करते हैं, उसकी सेल्स भी बढ़िया होती है। और अभी इस गाड़ी का रेंट डा कंडीशन आया और अपडेट आया है, पर अभी भी वही है, ना ही इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव है, ना ही इसमें आपको 4x4 मिलता है, और वही गाड़ी है जो थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कर सकती है पर प्रॉपर ऑफ रोडिंग नहीं कर सकती। पर मैं एक चीज़ देख रहा था इसमें भी कि जब जब सफारी की सेल्स कम हुई है या फिर उसका डिसकंटिन्यू हुआ है, उस टाइम पर महिंद्रा वालों ने अपने स्कॉर्पियो के प्राइस ऐसे बढ़ाए हैं, मतलब कि जब 2018 में 19 में रादर सफारी का डिसकंटिन्यू हुआ, फिर भाई साहब महिंद्रा वाले स्कॉर्पियो का प्राइस बढ़ाए जा रहे 20-20 हज़ार रुपये बढ़ा रहे पर मंथ, ओह माय गॉड। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि सफारी का जो डाउनफॉल है वो बेसिकली महिंद्रा स्कॉर्पियो की वजह से हुआ है कहीं ना कहीं। पर अच्छी बात है दोनों ही इंडियन ब्रांड्स हैं और टिके हुए हैं अभी तक वो, तो इसलिए ज़्यादा कम दुख की बात है ये।
इस वाली केस स्टडी से हमको ये पता चलता है कि जो आपकी गाड़ी है या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग काफ़ी एप्ट होनी चाहिए, मार्केट के हिसाब से होनी चाहिए। सेकंड जो है उस गाड़ी के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए या फिर उस प्रोडक्ट के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बेसिकली है रिलायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल टोयोटा की, टोयोटा वाले आपको फीचर्स नहीं देते एग्जाम्पल फॉर्च्यूनर में, बट उनकी रिलायबिलिटी है वो एकदम टॉप नॉच है और इस वजह से उनकी सेल्स अब भी काफ़ी बढ़िया हो रही है। और तीसरा पॉइंट ये है कि अब आप कभी भी नीचे कितना भी चले जाएं आप हमेशा कमबैक कर सकते हैं। इन योर लाइफ व्हेन यू गेट अ सेटबैक डू नॉट सिट बैक, कम ऑन, ओनली स्टेप बैक टू बाउंस बैक। तो बढ़िया बिजनेस लेसन भी हो गया भाई एक ही वीडियो में, ऑलराउंडर हो गया हूं आजकल। और अब वो ऑफ कोर्स सेकंड बिगेस्ट कार मेकर है इंडिया के, थर्ड बिगेस्ट मान लो। और यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज सब्सक्राइब करना।